स्वागत है आप सभी का धैर्य टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं पर बात करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी अहमदाबाद, सी इंदौर अथवा ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी वाराणसी। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चलने वाला है। शहर में यातायात के दबाव और पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे यानी गुदौलिया तक 3.85 किलोमीटर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने 644 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण की सराहना की है। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में एफ इंडेक्स 23 नामक सैन्य अभ्यास किन दो पक्षों के बीच आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत तथा फ्रांस के मध्य, बी भारत तथा अफ्रीका के मध्य, सी भारत तथा श्रीलंका के मध्य, तो ऑप्शन डी भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भारत और अफ्रीका के बीच ये आयोजित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 23 का दूसरा संस्करण बीते 29 मार्च को पुणे में संपन्न हो गया। एफ इंडेक्स 23 का आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ कार्ययोजनाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिदेश के तहत मानवतावादी माइन कार्रवाई और शांति वाहिनी प्रचालनों का निष्पादन करना था। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। दूसरा, इसमें भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत बीईएल भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, अंग्रेजी में कहे तो ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स यानी AADCRS को विकसित करेगा। इस प्रणाली में ऐसे सेंसर्स राडार्स का एक पूरा नेटवर्क होगा जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएंगे। ये तत्काल भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क कर देंगी। इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर का नाम दिया है। लेते हैं चौथा प्रश्न। राजस्थान राज्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी आपको गलत कथन, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके विकल्प हैं ए आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण का काम अंतिम रूप से 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ था, बी हर साल 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, सी राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन डी जनसंख्या के हिसाब से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन जो है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब अलग अलग राज्यों के गठन का काम शुरू हुआ। मध्य पश्चिमी भारत में कई राजाओं की रियासतें थीं। इन रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान की स्थापना की गई। कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ जिसे 30 मार्च 1949 को अंतिम रूप दिया गया। हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से ये देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है जबकि लिंगानुपात 928 है। लेते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। दूसरा, यह पहली बार शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक,
बी केवल दो, सी इनमें से कोई नहीं, अथवा ऑप्शन डी एक और दो दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। ये साइटिस नामक एक कार्यक्रम चला रहा है, यानी CITIIS। इस कार्यक्रम के तहत शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव यानी अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव का उद्देश्य शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी सतत शहरी विकास पर चल रही बातों में जो चर्चा चल रही है इसमें जनता को भी शामिल किया जाए, जन भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIIS के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।